नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और आप देख रहे हैं जी न्यूज का एक स्पेशल शो जिसका नाम है भाई दूज। दो दिन नहीं, एक ही दिन। जी हां, इन दिनों तमाम हिंदू त्योहारों और पर्व पर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, कभी तिथि को लेकर तो कभी पूजा विधि को लेकर तो कभी धर्म ग्रंथों और पुराणों के गलत संदर्भ बताकर। इसीलिए जी न्यूज आपको पहले ही जानकारी दे रहा है कि भाई दूज की तिथि आज भी है और कल भी है, पर शनिवार या रविवार कब है भाई दूज का त्योहार, इसी पर प्रकाश डालने के लिए खुद ज्योतिष आचार्य प्रकाश जोशी जी हमारे बीच में हैं। तिथि जो है वो दो दिन है, शनिवार या रविवार कब शुभ है भाई दूज का त्योहार, ये बताइए। देखिए, भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और दर्शक भी जी न्यूज के माध्यम से सब नोट कर लें। और द्वितीय तिथि जो प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर 2024 में रात्रि में 8:21 में प्रारंभ हो रही है, यानी अभी प्रारंभ नहीं है, रात्रि में 8:21 पे प्रारंभ होगी और 3 नवंबर को रात को 10:05 तक रहने वाली है उदया व्यापनी तिथि के अनुसार। यानी कि ये शुभ मुहूर्त जो है वो बड़ा क्लियर हो गया है कि शुभ मुहूर्त क्या है। मैं आपके पास एक बार लौट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की। जैसे शास्त्री जी ने बताया 1:30 से लेकर 3:22 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, उसमें 3 नवंबर को ही करना याद रखिएगा। मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि के स्वामी मंगल अभी नीच के बैठ चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप भाई का जब भी तिलक करते हैं उस समय पे लाल कपड़ा अगर आप दे दें, ओम भोम भूमाय नमः का जाप कर लें, उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के बारे में यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के शुक्र भी वृश्चिक राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो रिलेशन को अच्छा करने के लिए आपको सफेद वस्त्र चाहिए, सफेद मिठाई चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके भाई को खिला दें और उनको तिलक लगा दें। मिथुन राशि देखा जाए तो मिथुन राशि के स्वामी बुध है, बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं है, रिलेशन के लिए धन के लिए बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में हरा कपड़ा आप ले लीजिए और हरा कपड़ा ओम बुम बुधाय नमः करके भाई को तिलक कर दीजिए। कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सफेद कपड़ा आपको देना है और सफेद मिठाई भाई को खिलानी और तिलक लगाना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। प्रकाश है, अगला सवाल प्रकाश जोशी जी आपसे मेरा है, क्योंकि कल यमदेव और उनकी बहन यमुना की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए इसे? देखिए, सबसे पहले कि जो करना है विधि विधान यही है कि आप भैया दूज के अंदर एक थाली ले लें, थाली के अंदर आप गोला ले लें, गोले की विशेष महत्वता है, चुनरी आप ले लीजिए, मिठाई आप ले लीजिए, दीपक आप ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुभ मुहूर्त होना चाहिए जो कि 1:30 से लेकर 3:22 तक है और 3 तारीख को ही है, ये याद रखिएगा, उदय व्यापनी तिथि की तरह की तरह। कोई भी बहने कोई भी मंत्र अगर बहनों को आता है तो वो मंत्र का जाप कर ले, ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि कोई भी पूजा कोई भी अनुष्ठान का प्रारंभ गणेश जी से होता है। उसके बाद आप क्या है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षस, मंगलाय तनोहरि, ये इस तरह का मंत्र बोलते हुए भाई को आपको तिलक करना है। एक चुंडी ले लीजिएगा, उसके अंदर गोला, उसके अंदर मिठाई इत्यादि लेके और भाई की आरती करने के बाद। प्रकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि बहने क्या ना करे, क्योंकि जब शुभ मुहूर्त की बात हमने कर ली, विधि विधान की बात कर ली, क्या ना करे बहने? देखिए, आपको काला वस्त्र नहीं पहनना है, ये याद रखिएगा बहनों को, और थोड़ा सा तनाव में नहीं रहना, भाई से लड़ना नहीं है, भाई को डांटना नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप चाहे तो कर सकते हैं। विशेषतया शास्त्र के अनुसार काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये जी न्यूज पे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि काले कपड़े को जो है कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है, भद्रा का रूप माना जाता है।